माय चैनल। मेरा नाम प्रीति वारी, मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोग के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल हेयर ऑयल। बट घर पे बना सकते हैं आप उसको, कोई बहुत सारी चीज़ें मिलाने की भी जरूरत नहीं है। बहुत ही इजी वे में आप अपने बालों को डीप कंडीशनिंग कर सकते हो, बहुत ही मैनेजबल हो जाएंगे, बाल बिल्कुल भी फंसेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा सुलझे हुए दिखेंगे एंड बहुत ज़्यादा ही इफेक्टिव है। एक ही यूज़ में आपका हेयर फॉल 50% से भी ज़्यादा कम कर देगा और एक ही यूज़ में आप इसको 100% भी कम कर सकते हो सिर्फ विटामिन ए की कैप्सूल मिक्स करके। तो कैसे करना है, कैसे यूज करना है, कैसे ऑयल को बनाना है, सब कुछ मैं आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। ऑयल लगा के भी दिखा रही हूँ एंड हेयर वॉश करने के बाद मेरे बालों का लुक काफ़ी अच्छा है। मैं काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था एंड अभी मेरे बाल बस 2 से 3 बार निकले थे कम करते टाइम और काफ़ी अच्छा है। तो अगर आपके भी बाल झड़ रहे हैं, डैमेज हैं, ड्राई हैं, दो मुहे हैं, तो आप इस वाले ऑयल को यूज़ कर सकते हो। देखिए काफ़ी प्यारा लुक आ रहा है मेरे बाल में, काफ़ी अच्छी शाइन भी आ रही है। आई होप कि आपको दिख रहा हूँ। बहुत ही अच्छा साइन आया है मेरे बालों में इस ऑयल को लगाने के बाद। अगर आप भी कोई ऑयल ऐसा ढूंढ रहे हो जिससे आपके बाल मैनेज हो जाएं, ड्राइनेस फ्रिजनेस खत्म हो जाए, तो आप ये वाला ऑयल ट्राई कर सकते हो। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए क्योंकि आजकल सबको इस तरीके की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा केमिकल ट्रीटमेंट अपने बालों पे करते हैं जिसकी वजह से हमारे बाल ड्राई, फ्रिजी, रफ, बेजान हो जाते हैं, दो मुहे हो जाते हैं। तो सारी चीज़ों का सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से आप कर सकते हो। बहुत सारी ऑयल की वीडियो आपने देखी होंगी DIY घर पे बनाने के लिए, बट उसमें आपने बहुत सारी चीज़ें मिलाने के लिए बताया गया होगा, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा कुछ मिलाना ही नहीं है, सिर्फ एक चीज़ है और आपके बाल काफ़ी खूबसूरत और नई जान आ जाएगी आपके बाद में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है फ्रेंड फूल जो आपको ऑयल में मिक्स करना है, यूज़ करना है, कुछ इस तरीके से दिखता है, ध्यान से देख लीजिए। आपको यही फूल लेना है और कोई नहीं लेना है। आपको इस तरीके का रेड कलर का फूल आता है, बहुत सारे फूल ले लो, इसका ग्रीन पार्ट जो हटा दो। ये मैंने पूजा में से लिए हैं तो येलो फूल भी हैं, तो इन सबको हटा के सिर्फ रेड फूल रखना है और रेड फूल का ही हम लोग ऑयल बनाएंगे। सबका ये जो ग्रीन पार्ट है उसको तोड़ देंगे और रेड पार्ट को हम लोग कोकोनट ऑयल में मिक्स करेंगे। सब कैसे पकाना है, कैसे बनाना है वो बताती हूँ। लेकिन इसको मैंने तोड़ लिया अच्छे से और यहाँ पे नारियल का तेल रखा हुआ है। आप इसमें एक कपूर और 2 विटामिन ए की कैप्सूल ऐड कर दोगे तो आपके डैंड्रफ और हेयर फॉल की समस्या भी खत्म हो जाएगी। मैं आप इसे फ्रिजी हेयर को रूम में बालों को ट्रिम करने के लिए बता रही हूँ, बट आप ऐड कर दीजिएगा क्योंकि हेयर फॉल जितना भी ज़्यादा हेयर ग्रोथ हो वो तो कम ही लगता है हम लोगों को। तो इसमें मैं नारियल का तेल ले रही हूँ बजाज का, आप कोई भी नारियल का तेल ले सकते हो। नारियल के तेल में ही मिक्स करना है गाइस का। इतना तेल मैंने इसमें डाल दिया है और उसको मैं आँच धीमी फ्लेम पे 5 से 10 मिनट तक पकाऊंगी। तब तक ये फूल का सारा जो गुण है वो तेल के अंदर मिक्स ना हो जाए। ये मैंने गैस को ऑन कर लिया है, तेल को उसमें ऐड कर दिया और ये अब धीरे धीरे पक रहा है। 10 मिनट तक आपको इसको पकाना है जब फूल का कलर चेंज हो जाए। उस तरीके से मैंने इसको पकाया, आप देख सकते हो तेल में उबाल आ रहा है थोड़ा थोड़ा। और इस तरीके से आपको 10 मिनट तक इसको पकाना है और चम्मच से इस तरीके से चला लेंगे। अब आपको दिख रहा होगा कि फूल का जो कलर है वो चेंज हो रहा है। इस तरीके से आपको पकाते रहना है इसको जब तक ये फूल का कलर पूरा अच्छे से चेंज ना हो जाए और पूरा तेल का जो कलर, सॉरी फूल का जो कलर है वो तेल के अंदर ना आ जाए। आप देख सकते हो तेल एकदम पानी के कलर का होता है नारियल का तेल, बट यहाँ पे भी कलर इसका चेंज हो चुका है क्योंकि फूल का जो कलर था वो तेल के अंदर चला गया है और फूल के सारे गुण भी तेल के अंदर चले गए हैं। ये बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, बालों को सॉफ्ट, शाइनिंग एंड सुलझा, मैनेजेबल बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको ऑयल में नहीं पकाना है तो इसको सिंपली पीस लीजिए और पीस के अपने बालों पे लगाओगे तो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा इससे। इस तरीके से मैंने पूरा तेल को 10 मिनट तक पकाया और जब फूल का जो कलर है वो चेंज हो गया तो मैंने इसको छान लिया था। आपको भी इसी तरीके से छानना है, आप इसको बना के रख भी सकते हो, 2 से 3 बार यूज कर सकते हो बना के। मैंने 1 बार में ख़त्म कर दिया था जो कि अभी आपको वीडियो में देखने को मिलेगा जब मैं इसको लगाऊंगी तब। तो इस तरीके से देख सकते हो कलर काफ़ी अच्छे से आ चुका है तेल में और जब ये अच्छे से जो फूल हैं वो फ्राई हो जाए फ्लावर, इनको उसके बाद गैस को बंद कर देंगे और उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे।
कि अच्छे से पक चुका है, फिर इसको हम लोग छोड़ देंगे और ठंडा होने के बाद इसको छान लेंगे। छान के इसको रख देंगे। आपको इसको रात में लगाना है और सुबह नॉर्मल शैम्पू से वॉश कर देना, कोई भी शैम्पू जो आप यूज करते होंगे। इसको मैं इस तरीके से गैस से उतार ले रही हूँ, चलो बिल्कुल ठंडा होना। मैं पे छलनी लेने गई थी, छलनी को से मैंने रख दिया है तेल के डिब्बे के ऊपर ही, और ये ठंडा हो चुका है। मैं इसको छान ली हूँ इस तरीके से, पूरे ऑयल को छलनी के अंदर ले लेंगे ताकि एक भी बूंद तेल हमारा जो है वो वेस्ट ना हो और अच्छे से निकल के बोतल के अंदर चला जाए सारा ऑयल। अच्छे चम्मच की मदद से पूरा अच्छे से ऑयल को निकाल लेंगे। इसी तरीके से मैंने पूरा ऑयल निकाला था। जब इसको हमने पूरा अच्छे से छान लेंगे तो ये बॉटल के अंदर अच्छे से आ चुका है सारा तेल। अब इसको कैसे अप्लाई करना है वो भी बताऊँगी। पहले इसमें जो ऑयल के अंदर बचा हुआ ऑयल है उसको भी, फूल के अंदर जो बचा हुआ ऑयल है उसको भी अच्छे से निकाल लेंगे। इसे ही रख के मैंने छोड़ दिया था ताकि ये अच्छे से हो जाए। और यही वाला फूल मैंने यूज़ किया था यहाँ पर, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। चलो बताते हैं इसको यूज कैसे करना है, कैसे अप्लाई करना है सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट डे यूज़ किया था, एक दिन पहले मैंने इसको बना के रख दिया था। आज फाइनली मेरा ऑयल बन गया है, मैंने किया था इसलिए बहुत बढ़िया रिजल्ट है। नारियल तेल ऑयल बन गया था, बहुत अच्छा फाइनल रिजल्ट होगा। मैंने बताऊँगी आप लोगों की कैसे अप्लाई करना है इस ऑयल को और इसका क्या फ़ायदा होता है, सब कुछ आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। तो बने रहिए वीडियो में और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये वीडियो। इस तरीके से मैंने बालों को ओपन कर लिया है अपने, एंड यहाँ पे मैंने ऑयल को इसी डब्बे में डाल के रख लिया था। एंड इसका जो कलर है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए इस तरीके का कलर हो गया है। नारियल तेल का कलर अक्सर आपको दिखा होगा कि नॉर्मली पानी जैसा ही होता है। तो आपको बहुत अच्छे से अपने जड़ों में अप्लाई करना है, एंड ये डीप कंडीशनिंग भी करता है, बालों में जान ले आता है दोबारा से। जैसे अगर आपके बाल बहुत डैमेज ड्राई हो गए हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, बहुत अच्छे से वर्क करता है ये। और मैं इसको वॉश करके आपको फाइनल रिजल्ट भी दिखाऊंगी, आज तो नहीं कल वॉश करूंगी मैं इसको, पूरे दिन के लिए रात के लिए अपने बालों में छोड़ रही हूँ। आपको मेरे चैनल पे इसी तरीके की वीडियोस डे बाय डे मिलते रहते हैं, मेकअप से रिलेटेड, ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड और वीडियो, जो भी चीज़ें आपको जाननी है सीखनी है आप मुझे कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम मैं उस टॉपिक पे वीडियो जरूर लेके आती हूँ। इस तरीके से अप्लाई करना है पूरा जड़ों में अच्छे से और रात भर के लिए इसको ऐसे ही लगा हुआ छोड़ देंगे हम लोग। पहले की वीडियो में आपने बात देखते हुए काफ़ी ज़्यादा झाड़ू के थे, बट अब धीरे धीरे मैंने बोले क्योंकि मैं अपना हेयर केयर रूटीन फॉलो कर रही हूँ और आपको खूब करना, बहुत ज़्यादा तेल मैंने अपने हाथों पे गिरा लिया है। एंड आपको बालों की लेंथ में भी तेल को लगाना है जिससे कि बालों का जो स्विचनेस है, ड्राइनेस है, बाल झाड़ू जितने हो गए हैं वो दोबारा से मैनेज हो पाए और सॉफ्ट हो पाए बाल। इस तरीके से अप्लाई कर लेना। ऐसे ही पूरे बालों में, और इस ऑयल को आप बच्चों में भी लगा सकते हो, बूढ़ों को भी लगा सकते हो, कोई भी लगा सकता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। अगर आपका इसका बेस्ट रिजल्ट चाहते हो, जैसे कि आपको अगर हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है तो आप इसमें दो विटामिन ए की कैप्सूल ऐड कर लेना,
एक दो बूंद ग्लिसरीन की ऐड कर लेना। आप देखोगे आपको पहले यूज़ से ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट फील होगा और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपका हेयर फॉल भी एक बार में ही रुक जाएगा। सिर्फ एक इस्तेमाल से ही आपका हेयर फॉल ख़त्म हो जाएगा इस ऑयल के यूज़ से। एंड जो फ्रिजनेस है, ड्राइनेस है, बाल जो डैमेज हो गए हैं, दो मुँहे हो गए हैं, सबके लिए बेस्ट, दो मुँहे के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है ये ऑयल। जिसमें मैंने फूल मिलाया था वो बहुत ज़्यादा ही इफेक्टेड है दो मुँहे वालों के लिए। जिसको भी दो मुँहे बाल हैं वो ये ज़रूर ट्राई करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। एंड आप लोग बताइए मैं बालों में कलर रखूँ एक बार या फिर बालों को एक बार ब्लैक करके देखूँ कैसा लगता है मेरे ऊपर। एंड अभी मैं बालों को बढ़ा रही हूँ, बट फ्रेंड्स के मैंने बहुत शॉर्ट बैंग्स कट किए हैं जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। अभी मैं ऑयल में नहीं दिखा सकती हूँ, आप वीडियो चेक कर लीजिएगा, अपलोड हो चुका है। आई थिंक मैंने 5-6 साल के बाद ये ऐसी बैंग्स कट किया बहुत शॉर्ट वाला, मेरे को इतना शॉर्ट किया, काफ़ी अच्छा लगता है हेयर वॉश करने के बाद। आपको 5 से 10 मिनट तक मसाज करना है एंड रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे बालों में। नेक्स्ट डे आप कोई भी शैम्पू जो आपको सूट करता है उससे वॉश करेंगे। शैम्पू में आप थोड़ा सा ग्लिसरीन और एक विटामिन की कैप्सूल मिक्स करना ना भूलें अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो। अगर हेयर फॉल नहीं है तो आप नॉर्मल शैम्पू से वॉश करके अपना कंडीशनर अप्लाई कर सकते हो बालों को। अगर आपका बाल सिर्फ डैमेज है, ड्राई है, दो मुँह हैं, उनको ठीक करना है तो आपको काफ़ी कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा चीज़ें। एंड अदरवाइज अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो ये दोनों चीज़ें ज़रूर ऐड कर दीजिएगा। ओके, तो मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है बालों में। अब मैं इसको अच्छे से अप्लाई करने के बाद फिर जूड़ा बना लूँगी और रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। तो मैं इस तरीके से ही घर पे जूड़ा बना के रखती हूँ बालों में। आप कैसे बनाते हो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मेरे पे ये सूट भी करता है और काफ़ी कंफर्टेबल रहता है गर्मियों के टाइम के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, सॉरी हेयर वॉश करने के बाद। तो आपने देख लिया पूरा प्रोसेस, कैसे लगाना है, कैसे ऑयल को लगाना है, कैसे बनाना है, सारी चीज़ें। वॉश करते टाइम बस आपको शैम्पू से नॉर्मली वॉश कर लेना है एंड बालों को ड्राई कर लेना है एंड नॉर्मल एयर पे सूखने देना है। ड्राई वगैरह का यूज नहीं करना है। होने के बाद जो बालों का लुक है वो आपको दिख रहा है, काफ़ी अच्छा लुक लग रहा है बालों का। तो इसी तरीके से अगर आप इसको सप्ताह में 2 बार यूज़ करते हो तो आपके बाल लंबे भी होंगे एंड ग्रोथ भी अच्छी होगी और बाल बहुत ज़्यादा मैनेजेबल भी हो जाएंगे, फंसेंगे नहीं, सिल्की हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।